अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलफाम कराची वाला। आज मैं आपके लिए फिर एक नया बिज़नेस आइडिया लेके आया जो कि बच्चों के हिसाब से है। बच्चे जो कई सालों से खिलौनों से खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हो, आगे भी खेलते रहेंगे, तो ये एक खिलौना बिज़नेस आइडिया है टॉय शॉप के नाम से। ये आप कराची से स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। कराची में होलसेल मार्केट है, सदर में, मीठादर, गुल सेंटर, ये ऐसी मार्केट है जो जहाँ से लोग फैसलाबाद, लाहौर वगैरह से आके यहाँ से परचेज़ करके लेके आते हैं। उनको इस खिलौनों के ऊपर बड़ा अच्छा मार्जिन मिलता है जो कि 15 से 20% तक होता है। और इसके अलावा कराची के अंदर न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में इनकी कंपनियाँ भी हैं, और ये जो खिलौनों का बिजनेस है ये लाखों डॉलर्स के अंदर है। इनको जो स्टार्ट करते हैं छोटे शॉप से स्टार्ट करते हो, जब इनका ग्रोथ करते हैं, बिजनेस ग्रो करता है, तो लोग 4 से 5 दुकानें मिला के एक बड़ी सी खिलौने की शॉप बनाते हैं जिसमें 35 से 40 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट होता है। लेकिन हम ये आपको एक स्मॉल बिजनेस के तौर पे बताना चाह रहे हैं जो कि 1 से 2 लाख रुपए के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। और इस खिलौने की शॉप के अंदर सबसे बड़ी ट्रिक ये होती है कि आप अपनी पसंद के खिलौने डालें। आप जिस एरिया में शॉप खोल रहे हैं वहाँ की लोकेशन के हिसाब से आप देखेंगे यार यहाँ के जो एरिया के बच्चे हैं वो किस टाइप के खिलौने पसंद करते हैं, और उसी तरह के जो है आप खिलौने ला के अपने शॉप के अंदर रखें। आप इसके अंदर एकदम काम स्टार्ट नहीं करें, आप इसको जो है थोड़ा सर्चिंग में जाएँ और जो इस एरिया की शॉप्स हैं खिलौने की वहाँ पर जाके देखेंगे वहाँ के लोग जो जाते हैं वो किस तरह के खिलौने पसंद करके आते हैं और किस तरह के खिलौने लेके खरीद के निकलते हैं। तो आप पहले इसको 15-20 दिन जो है सर्चिंग करें, उसके बाद जो है उसके अंदर अपनी दुकान में खिलौने ला के रखें ताकि आपको आइडिया हो जाए। क्योंकि जो बिज़नेस है वो 80-20 के हिसाब से चलता है। फाइनेंशियली 80% जो इनकम होती है वो 20% के हिसाब से होती है जो आपकी शॉप के अंदर इन्वेस्ट हुई होती है, चाहे वो खिलौने के हिसाब से हो या कोई और भी बिज़नेस हो, वो 20% जो है वो 80% में कन्वर्ट होता है। तो ये एक अच्छा बिज़नेस आइडिया है, और इसके अंदर आप खिलौने के अलावा बच्चों के और भी चीज़ें, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके डायपर्स रख रहे हैं, बाबा बेबी सूट रख रहे हैं, बाउंसर रख रहे हैं, साइकिलें रख रहे हैं जो कि बच्चों से रिलेटेड होते हैं। आजकल जो है नया ट्रेंड चला है कि लोग इसके अंदर अपने खिलौने की शॉप के अंदर बैग, स्कूल बैग भी रख लेते हैं जो कि तकरीबन 8 से 10 साल के बच्चों तक के जो है लोग आते हैं, तो जो है वो उसके अंदर अपने स्कूल बैग भी लेके चले जाते हैं। और बाकी ये जो लोकेशन होती है वो ऐसी होती है कि शॉपिंग मॉल वगैरह में आप ये शॉप खोल सकते हैं, या किसी हॉस्पिटल करीब जहाँ बच्चे बीमार बच्चे आते हैं, अम्मी अब्बू को तंग करते हैं तो वो बच्चों का दिल बहलाने के लिए जो है वो आते हो, कहते हैं यार कुछ उनको कुछ खिलौने दिला दें। तो अगर अब आपका एक स्कूल यानी जो है अपना ये हॉस्पिटल से लोग ले गए, अगर 10 बीमार बच्चे भी लोग लेते हैं खिलौने, अगर आपको एक खिलौने पर जो है 100 भी बच्चे धो रहे हैं, अगर रोज़ के 10 से 20 खिलौने बिक गए तो आपके कम से कम 1500 से 2000 रुपये की अच्छे खासे इनकम हो जाएगी जो महीने में जाके 30 से 40 हज़ार रुपये में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा बिज़नेस है। और आप जो आपके जो करीबी दोस्त हैं जो स्मॉल बिज़नेस का इरादा रखते हैं तो आप इनको ज़रूर ये आइडिया बताएं, और ये जो मेरी यूट्यूब जो है अपना ये वीडियो है लिंक है इसको अपने ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे शेयर करें, और मेरे जो चैनल है कराची वाले इसको सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।